आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का मोबाइल, गाड़ी सहित हथियार भी बरामद किए हैं। थाना हरिपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। वहीं साथी की गोली लगने के बाद दूसरा बदमाश मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, तभी पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, इनमें से एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, वहीं हरिपर्वत इलाके में मोबाइल की लूट को अंजाम देकर फरार चल रहे थे, और जब लूटे हुए मोबाइल को बेचने के लिए बदमाश निकले, तभी मुखबिर खास के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश मौके से फरार होने की फिराक में थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं डीसीपी सिटी सूरज राय का कहना है कि बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उनसे लूट का मोबाइल, घटना में शामिल बाइक और तमंचा सहित कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कल दिनांक 23/24 की रात्रि देर रात को थाना हरिपर्वत पुलिस ने दिनांक 10 जनवरी 2024 को विजयनगर चौकी क्षेत्र में घटित हुई मोबाइल लूट घटना के दो अभियुक्तों को पकड़ा है। इसमें से एक अभियुक्त विशाल निवासी गैलाना थाना सिकंदरा पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। दूसरा अभियुक्त का नाम विशाल है और इन दोनों के कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त बाइक, एक इलीगल वेपन, कुछ राउंड्स और घटना में लूटा गया सैमसंग S23 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तत्काल इनको थाना हरिपर्वत के द्वारा प्राथमिक उपचार करके आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। डीजी महाराज न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।